गाइस आपका स्वागत है आपके अपने जॉब में फॉर स्टेटस में। तो आप यहां पे देख सकते हैं गाइस, जैसे ही मार्केट ने फ्लैट ओपनिंग दी आज निफ्टी में नीचे आया। मैंने आपको कहा भी था ये एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जोन है। एग्जैक्टली यहां पे जैसे ही इसका ब्रेकआउट हुआ फर्स्ट टारगेट तो इजिली रीच हो गया। इसके ऊपर जैसे निकलेगा फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट दोनों ही टारगेट रीच हुए। मैंने आपको एग्जैक्टली बताया था यहीं तक लेके जाइए गाइस, और एग्जैक्टली वहीं पे आने के बाद दो बार यहां पे रेजिस्टेंस लिया। उसके बाद अगर आप एक सेफ ट्रेडर होते तो किस तरीके से खेलते, अगर आप थोड़ा सा हाई रिस्क लेते तो किस तरीके से आपको एक जैकपॉट मिलता, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले यहां पे देख सकते हैं, यहां पे एक ट्रेंड लाइन बन रही थी इजीली, ठीक है गाइस। यहां पे कंटीन्यूअसली ट्रेंड लाइन बनी थी। यहां पे सबसे पहले सेफ ट्रेडर का बता देता हूं, यहां पे देख सकते हैं कंटीन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा ये। यहां पे देख सकते हैं इसका जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ ना यहां पे नेक्स्ट राइट कैंडल पे आप यहां पे पुट बाय कर सकते थे और एक बहुत बढ़िया यहां पे जैकपॉट जरूर से आप कैप्चर कर पाते विद इन टू कैंडल। बहुत बढ़िया मोमेंटम आया। होप आपने अगर एक सेफ ट्रेडर है तो इस तरीके से ट्रेड किया होगा, वरना अगर आप एक रिस्की ट्रेडर है तो यहां पर देख सकते कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा था बायर्स और सेलर का। जैसे यहां पर इन दो कैंडल के अंदर अंदर पुट बाय कर सकते थे और इसके ऊपर आपका 20 रुपीस का आज एसएल बनता था। हाँ मैं जानता हूं थोड़ा सा बड़ा रिस्क रहता 20 रुपीस का, लेकिन जैकपॉट देख सकते कितना बड़ा आपको देखने मिलता गाइस। होप आप आज ने ट्रेड किया होगा, बहुत बढ़िया प्रॉफिट जनरेट किया होगा। यहां पे तो आपकी बाइंग नहीं बन पाई होगी कॉल में, क्योंकि यहां पे ऑलरेडी एक ग्रीन इतना बड़ा कैंडल बन गया, सेकेंड भी बहुत बड़ा कैंडल बना, तो आप बिल्कुल भी स्टॉप लॉस नहीं लगा पाए होंगे। लेकिन यहां पे भी आपके पास अपॉर्चुनिटी थी और इस रेड कैंडल में भी अपॉर्चुनिटी थी। होप आपने ट्रेड किया होगा, एक बढ़िया सा प्रॉफिट जनरेट किया होगा। नीचे आया एग्जैक्टली जस्ट थोड़े से रह गया गाइस टारगेट रीच करते करते, वरना एग्जैक्टली रीच हो ही गया था तीनों ही टारगेट डाउनसाइड में भी। उसके बाद रिवर्स हुआ, एग्जैक्टली सपोर्ट लिया और अपसाइड मोमेंटम किया। आप देख सकते किस तरीके से एक मोमेंटम किया, लेकिन एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव किया। वोलेटाइल था, एक ऑप्शन बायर का दिन था, लेकिन यहां पे आप देख सकते जहां पे ओपनिंग हुई तो वहीं पे क्लोजिंग है। एक तरीके से एक ऑप्शन सेलर का ही डे था, लेकिन स्टिल यहां पे जिसने भी एक ट्रेड किया होगा बहुत बढ़िया आज एक प्रॉफिट किया होगा। विद इन आधे घंटे में आपने बहुत बढ़िया यहां पे प्रॉफिट जनरेट किया होगा। होप आपने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा जनरेट किया, नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं, जो लर्निंग है वो इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको सारे ही पॉइंट्स डिटेल में समझाए, ठीक है। यहां पे भी देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहां पे डिटेल वीडियो बता देता हूं। यहां पे मैंने आपको क्यों कहा था कि एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है, उसका बिहाइंड द लॉजिक यहां पे था। क्योंकि यहां पे जैसे ही बायर्स आए थे एक बढ़िया मोमेंटम, ये जो मोमेंटम है ना ये मिस कर दिए थे। मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो मोमेंटम है ना गाइस, ये मोमेंटम उन्होंने मिस कर दिया था, तो वो जरूर से चाहेंगे कि फिर से ये मोमेंटम कैप्चर करे। उस वजह से जब भी फर्स्ट टाइम यहां पे ओपन हुआ यहां पे वो मोमेंटम देखने नहीं मिला, इन द सेंस कि यहां पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करते हुए क्लोज कर गया, ठीक है। उस वजह से यहां पे एक बढ़िया मोमेंटम कैप्चर करने की यहां पे पॉसिबिलिटी थी, हाई पॉसिबिलिटी, वही यहां पे देखने मिला। एग्जैक्टली आप देख सकते यहां तक ही आया और आते ही यहां पे थोड़ा सा कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट किया और ब्रेकडाउन दिया। ब्रेकडाउन देते ही डाउनसाइड मोमेंटम है। यहां पे भी सेकंड टारगेट तक थोड़े से रह गया, वरना सेकंड टारगेट भी रीच हो गया होता गाइस। यहां पे देख सकते थोड़ा सा यहां पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगे। यहां पे भी क्या करना था गाइस, इस ग्रीन कैंडल का जैसे ही ब्रेकडाउन हुआ सेकंड रेड कैंडल पे आप पुट बाय कर सकते थे, इसके ऊपर 15 रुपीज का एसएल रख देते और विद इन 2 to 3 कैंडल बहुत बढ़िया जैकपॉट आपको, होप आपने ये कैप्चर किया होगा बैंक निफ्टी में एटलीस्ट। क्योंकि मैंने यहां पर बहुत सारे पॉइंट्स ऑलरेडी बताएं किस तरीके से ट्रेड करना होता है इन सबको। होप आपने ट्रेड किया होगा, ठीक है गाइस। अगर नहीं भी किया है तो लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो लर्निंग तो एटलीस्ट आपको मिल गई होगी आज के वजह से, ठीक है गाइस। यहां पे भी आप देख सकते हैं यहां पे जस्ट इसके ऊपर ही यहां पे सस्टेन किया, लेकिन यहां पे देख सकते हैं एग्जैक्टली सपोर्ट लिया, लेकिन यहां पे जैसे फ्लैट ओपन हुआ थोड़ा सा बड़े बड़े कैंडल्स बने। मैं हमेशा आपको एक चीज बताता हूं, जब भी बड़े ग्रीन कैंडल या रेड कैंडल बनते हैं ना तो वो कितना ही वोलेटाइल हो लेकिन एक साइडवेज मार्केट की तरह बिहेव करता है। यहां पर भी देख सकते कंटिन्यूअसली एक साइडवेज मार्केट, जहां पर ओपन हुआ तो वहीं पर क्लोजिंग हुआ। बैंक निफ्टी का भी आप देख सकते हैं एग्जैक्टली जहां पर ओपनिंग हुई वहीं पर क्लोजिंग दिया गया यहां पर भी मार्केट ने, लेकिन वोलेटाइलनेस देख सकते 2-3 कैंडल में उतना नहीं मिला, लेकिन
ये देख सकते हैं, थर्ड कैंडल, फोर्थ कैंडल, फोर्थ और फिफ्थ कैंडल में किस तरीके से एक ड्रास्टिकली मोमेंटम देखने मिला। जब भी एक बड़ा मोमेंटम आता है ना, थोड़ा सा आधे एक घंटा या फिर 10-11 o'clock के आसपास वहां पे ब्रेकआउट देता है ना, धीरे धीरे अपसाइड जाता है। अगर 12-1 o'clock के आसपास कहीं पे ब्रेकआउट देता है ना, बहुत बढ़िया और वन साइडेड मोमेंटम देता है गाइस। यही छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं। हाँ, आज एक रोलर कोस्टर कह सकते हैं या फिर चॉपी मार्केट जो भी कह सकते हैं, बड़ा मोमेंटम तो मिला, एक ऑप्शन बायर का भी डे था। लेकिन जहां पे ऑप्शन बाइंग का डे था, अगर जो लोग ट्रेड करते हैं उनको पता होगा तो उन्होंने ट्रेड किया होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया। अदरवाइज एक ऑप्शन सेलर का ही डे था, कुछ लोगों ने आज लॉस भी किया होगा। लेकिन याद रखिए, यही जो मार्केट्स होते हैं ये आपको सिखाने के लिए होते हैं, जो लॉसेस होते हैं। तो बिल्कुल भी उदास मत होइएगा कि लॉसेस हो गए हैं, अगर अच्छा प्रॉफिट भी हुआ है तो जरूर से याद रखिए किस तरीके से आज मार्केट ने एक मोमेंटम दिया। ऐसे बहुत सारे मार्केट आएंगे जब इस तरीके से मोमेंटम करेंगे तो आप जरूर से ट्रेड कर सकते हैं। सेंसेक्स में मैंने आपको कल ही जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, मैंने आपको कहा भी था ये बहुत इंपॉर्टेंट एंड थिन लाइन है, अगर इसका ब्रेकडाउन होगा तभी डाउनसाइड लेके जाइए, अदरवाइज यहां से एक ड्रास्टिकली एक बड़ा मोमेंटम आ सकता है अपसाइड के लिए। एग्जैक्टली आप देख सकते हैं जैसे ही ओपन हुआ यहाँ पे एक्जैक्टली सपोर्ट लिया, अपसाइड गया, अपसाइड जाने के बाद यहाँ पे कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट करने लगा। यहाँ पे भी देख सकते हैं एम पैटर्न टाइप बना, यहाँ पे देख सकते हैं एम पैटर्न बना, ब्रेकडाउन दिया। एग्जैक्टली यहाँ पे भी आप पुट को बाय कर सकते हैं, वन साइडेड मोमेंटम। उसके बाद मैंने आपको कहा भी था यहाँ पे एक बाइंग आ सकती है, एग्जैक्टली बाइंग आई और एक ऑप्शन सेलर का डे था जैसे कि हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे ओपनिंग हुई तो यहीं पे क्लोजिंग हुई, कोई बड़ा रेंज नहीं था। हाँ, लेकिन एक वोलेटाइलनेस देखने मिला हमें, मतलब एक बड़ा रेंज आपने प्लान किया होगा एज ऑप्शन सेलर, तभी एक प्रॉफिट हुआ होगा, अदरवाइज नहीं हुआ होगा, थोड़ा सा उनको भी एडजस्ट करना पड़ा होगा। ठीक है, निफ्टी मिड कैप सिलेक्ट में एक बहुत बढ़िया क्लियर व्यू था, यहां पे देख सकते हैं जैसे ही दो कैंडल यहाँ पे बड़े बड़े बन गए थे, चौथा कैंडल भी बड़ा बना, उसके बाद कंटिन्यूअसली कंसोलिडेशन में गया, यहाँ पे एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे कंटिन्यूअसली ये देख सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड तीन चार कैंडल यहाँ पे कंटिन्यूअसली बने, जैसे ही बने ब्रेकडाउन दिया, आप देख सकते हैं वन साइडेड मोमेंटम फर्स्ट सेकेंड। हाँ, धीरे धीरे मोमेंटम आया गया। हमेशा याद रखिए ऐसा नहीं रहता कि एकदम से मोमेंटम, जो भी ऑप्शन बायर्स है याद रखिए वन साइडेड मोमेंटम मिलेगा तभी आपको एक अच्छा खासा पैसा मिलेगा। अगर थोड़ा सा भी चौपीनेस होगा तो वहां पे थोड़ा सा आपको टीटा डी के जो है वो प्रीमियम्स कम मिलेंगे एज कंपेरेटिवली। तो ऑलरेडी आप जानते कि मंडे के दिन तो एक्सपायरी हो चुकी थी, उस वजह से यहाँ पे ट्रेडेबल नहीं बनता। लेकिन स्टिल यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस के जैसे दिखा होगा आपने एग्जैक्टली बहुत बढ़िया, तो पैसा आपने एग्जैक्टली यहाँ तक तो कमा ही लिया होगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ आपकी चीज थी। अगर आप कंटिन्यू करना चाहते थे तो बहुत बढ़िया आज एक प्रॉफिट जनरेट किया। फिर निफ्टी में भी होप आपने आज ट्रेड किया होगा जिस हिसाब से मैंने आपको डिटेल में समझाया है, होप आपको वीडियो समझ में आ रही है। चलिए गाइस, कल एक बैंक निफ्टी एक्सपायरी, क्या वहां पे एक जैकपॉट मिल सकता है, किस तरीके से ट्रेड करेंगे, क्या हमारा प्लान होना चाहिए, उसके बारे में डिटेल में समझते हैं गाइस। तो चलिए गाइस, कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है, तो किस तरीके से आप ट्रेड करेंगे, क्या आप एक जैकपॉट एक्सपायरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं बैंक निफ्टी से, देख लेते हैं। आज तो एक साइडवेज मार्केट था, आप देख सकते हैं ओपन जहां पे वो वहीं पे क्लोज हो गया है। तो सबसे पहले यहां पे हम अपन सपोर्टिंग एरियाज और रेजिस्टेंस एरिया बना लेते हैं। ठीक है गाइस, ये एक रेजिस्टेंस एरिया हमारे लिए और यहां पे एक मेजर सपोर्टिंग एरिया है, लेकिन फिलहाल के लिए ये एक मेजर सपोर्टिंग एरिया की तरह अभी एक्ट करते हुए दिख रहा है हमें। ठीक है गाइस, जस्ट थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसे। ठीक है गाइस, ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना पड़ेगा ना गाइस, सबसे पहले यहां पे इस एरिया का ब्रेकआउट होने दीजिए, क्योंकि ऑलरेडी टू टाइम यहां पे टेस्ट कर चुका है। अगर ब्रेकआउट होता है ना गाइस, इजीली आप यहां तक के लिए फर्स्ट में टारगेट लेके जा सकते हैं। उसके बाद कहीं पे प्राइस एक्शन बनाता है ना गाइस, ये सेकेंड और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट मैं आपको लेके जाने की हिदायत दूंगा। ठीक है गाइस, डाउन साइड के लिए चलते हैं गाइस। एग्जैक्टली यहां पे देख सकते हैं डाउन साइड, जैसे ही डाउन साइड आएगा ना, ब्रेकडाउन देगा फर्स्ट इमीडिएट टारगेट और ये सेकेंड इमीडिएट टारगेट। यहाँ पे थोड़ा सा आपको इससे थोड़ा सा पहले यहाँ पे कहीं पे बुकिंग कर लेनी चाहिए आपको, क्योंकि ऑलरेडी आप जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक मोमेंटम आया है। हो सकता है एक बाइंग है, मैं ये नहीं कह रहा ब्रेकडाउन नहीं देगा, लेकिन हो सकता है यहाँ से बाइंग आ जाए और थोड़ा सा अपसाइड जाने की कोशिश करें यहाँ तक का, तो वहाँ पे थोड़ा सा आपके लिए दिक्कत आ सकती है। हाँ, अगर ब्रेकडाउन दे देता है तब तो एक इजीली फॉल मिल सकता है आपको यहाँ तक का। ठीक है, एक जैकपॉट ही समझ सकते हैं अगर इसका
डाउन हो जाता है ना, और डाउन साइड यहाँ पे कहीं पर रेजिस्टेंस लेना स्टार्ट कर देता है प्राइस एक्शन के हिसाब से, तो फिर तो आपको एक जैकपॉट जरूर से देखने मिल सकता है। ठीक है गाइस, निफ्टी फिफ्टी चलते हैं गाइस, किस तरीके से मोमेंटम कर सकता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी बन रही है कुछ इस तरीके की, जस्ट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे ठीक है गाइस, इस तरीके की ट्रेंड लाइन बनी। मैं इसको नहीं मानूंगा गाइस क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स उतने ज्यादा क्लियरली नहीं हो रहे हैं। अगर इन दोनों को भी कनेक्ट करता हूँ ना, यहाँ पे नैरो रेंज बन जाएगी। ठीक है गाइस, तो थोड़ा सा देखेंगे अगर ये वैलिड कब हो जाएगा, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जस्ट अ सेकेंड गाइस, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे तो ऑलरेडी है, बस स्ट्रेच किया था मैंने। यहाँ पे कंटिन्यूअसली कॉन्सोलिडेट करना चाहिए एटलीस्ट आधे से एक घंटे तक, उसके बाद जैसे ही ब्रेकआउट देगा ना, फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकेंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड एंड फाइनल इमीडिएट टारगेट। अगर आपको एक सेफ ट्रेडर खेलना है तो इसके ऊपर जाने दीजिए गाइस, इस एरिया के ऊपर जाएगा ना, उसके बाद जैसी प्राइस एक्शन बनाएगा उस हिसाब से आप अपसाइड के लिए दो टारगेट लेके जा सकते हैं। अगर डाउनसाइड के लिए देखा जाए, जैसी ब्रेकडाउन देगा यहाँ पे इस एरिया का ब्रेकडाउन देने दीजिए गाइस, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ब्रेकडाउन देते ही एक शार्प डाउनसाइड मोमेंटम आएगा गाइस प्राइस एक्शन के हिसाब से, जहां पे भी आपको लगे कि ठीक है यहाँ पे आप एग्जिट मार सकते हैं वहां तक किल लेके जाएगी गाइस। लेकिन मेरे लिए फर्स्ट सेकेंड और थर्ड ये तीन टारगेट रहेंगे, एक बड़ा मोमेंटम कल आने के लिए मेरे को बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड लग रहा है कि बड़ा मोमेंटम आ सकता है, वरना थर्सडे के दिन आएगा। हाँ, लेकिन कल के लिए ज्यादा लग रहा है अगर ये ब्रेकडाउन दे देता है एक अच्छा खासा एक कैंडल के साथ, और उसके बाद जैसे यहां पे ब्रेकडाउन तो दे, उसके बाद टेस्ट करने और डाउनसाइड देने लगे ना, फिर तो बहुत बढ़िया आपके लिए कंफर्मेशन मिल जाएगा गाइस। ठीक है, चलिए गाइस सेंसेक्स में भी चलते हैं, किस तरीके से ट्रेड करेगा उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे एग्जैक्टली देख सकते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेच कर लेता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था, तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी फिर से क्रिएट भी कर देता हूँ आपके लिए। ठीक है गाइस, ये एक थिन लाइन है, जस्ट अ सेकेंड गाइस, मैं इसको अच्छे से ही ड्रॉ कर देता हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है अपने लिए। ठीक है गाइस, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ओके, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी ट्रेंड लाइन जैसा तो बन रहा है, लेकिन ये बहुत स्टिफ ट्रेंड लाइन है गाइस, यहाँ पे देख सकते हो, उस वजह से मैं इस ट्रेंड लाइन को छोड़ देता हूँ। इसके ऊपर जाने दीजिए गाइस, थोड़ा सा यहाँ पे अटकने की कोशिश कर सकता है स्टिल, तो थोड़ा सा यहाँ तक का मैं नहीं ट्रेड करने कहूँगा सेंसेक्स में। और यहाँ पे कल के लिए उतना अगर ट्रेड नहीं बन रहा है तो मत ही लीजिए, क्योंकि सेंसेक्स की एक्सपायरी थोड़ी सी लेट है, आप निफ्टी फिफ्टी में ट्राई कर सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पे ब्रेकआउट होने दीजिए, उसके बाद जैसे ही सपोर्ट लेगा ना, सपोर्ट लेते ही इजीली फर्स्ट टारगेट और ये सेकंड टारगेट होगा। हाँ, यहाँ पे मल्टीपल टाइम टेस्ट तो हो चुका है, लेकिन स्टिल एक चांसेस है कि यहाँ पे रेजिस्टेंस लेते हुए डाउन साइड आ सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। अगर प्राइस एक्शन के हिसाब से ब्रेकआउट दे देता है तो फिर तो अपसाइड के लिए आप इजीली लेके जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चलते हैं, जैसे यहाँ पे ब्रेकडाउन देगा ना गाइस, इजीली फर्स्ट इमीडिएट टारगेट छोटे रखिए, फर्स्ट टारगेट सेकंड टारगेट, इसका ब्रेकडाउन दे देगा ना, फिर तो बहुत बड़ा मोमेंटम यहाँ तक का कैप्चर कर सकते हैं। इससे बड़ा भी मोमेंटम कैप्चर कर सकते हैं, वो डिपेंड करेगा प्राइस एक्शन किस हिसाब से बनता है, उस हिसाब से। मैं आपके लिए अगर एक सेफ ट्रेडर तो यहाँ तक के लिए आराम से आप लेके जा सकते हैं। हमेशा याद रखिए गाइस, सेकंड टारगेट तक आपको एटलीस्ट 70-80% अपना जो भी क्वांटिटी उसको बुक कर लेना चाहिए। अगर हाँ आप एक ही लॉट से ट्रेड कर रहे तो आपको तो और सेफ खेलना चाहिए, सेकंड टारगेट ही रीच होने के बाद आपको पूरा ही बुक कर लेना चाहिए गाइस। ठीक है गाइस, चलिए गाइस निफ्टी मिड कैप सेलेक्ट का भी थोड़ा सा मैं आपको डिटेल एनालिसिस समझा देता हूं। यहां पे ऑलरेडी यहां पे देख सकते हैं रेजिस्टेंस है गाइस, ओके गाइस, ये रेजिस्टेंस का जैसी ब्रेकआउट होगा ना, ये फर्स्ट इमीडिएट टारगेट, सेकंड इमीडिएट टारगेट और ये थर्ड इमीडिएट टारगेट, ये तीन टारगेट जरूर से लेके जा सकते हैं। अगर डाउन साइड में यहाँ पे कहीं पे ब्रेकडाउन देता है ना, एक बढ़िया मोमेंटम आ सकता है गाइस, फर्स्ट टारगेट, सेकंड टारगेट, इवन थर्ड टारगेट भी बड़ा वाला आप देख सकते हैं। होप आपको छोटे छोटे पॉइंट समझ रहे हैं। कल के दिन बैंक निफ्टी और निफ्टी पे ज्यादा ध्यान दीजिए, लेकिन याद रखिए प्राइस एक्शन जिस भी इंडेक्स में अच्छा बनता है ना, वहां पे जरूर से ट्रेड कीजिए गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा। हाँ, वीडियो थोड़ी बड़ी बन गई है, लेकिन लर्निंग बहुत सारी है इसके अंदर। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।